कटोरी मोरधन, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची दो या तीन, एक आलू, एक प्याज, आधी गाजर और एक लेमन। अब आप जब आप व्रत के लिए बनाएं तो याद रखें व्रत में आप आलू डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, लेमन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब आप सेंधा नमक और काली मिर्ची ही डालें। बाकी मैं आज सब कुछ डालूंगी क्योंकि मैं फास्टिंग करती भी नहीं हूँ और इसलिए फास्टिंग वाला बता भी नहीं हूँ। ये मैंने लिया एक स्पून घी। सुबह ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए और हेल्दी खाने के लिए तो हेडेक चाहिए ही, तो बहुत सारी मशीन इक्विपमेंट ये वो, घर में ही सब कुछ है। इफ यू वांट टू ईट सिंपल एंड हेल्दी। अब ये मैंने डाली एक मिनट पर प्याज को किया है, एग्जैक्टली ब्राउन भी नहीं हुए हैं क्योंकि ये 10 मिनट वाला नाश्ता है। ब्रेकफास्ट वही लोग मेरे हिसाब से रोज़ खा सकते हैं। आलू मैंने काट के खुले छोड़ दिए तो वो थोड़े रेड हो गए, उसी वक्त खाते हैं तो वाइट ही दिखेंगे, वो रेड इसलिए दिखेंगे क्योंकि मैंने काट कर एक मिनट देर कर दी। बस इनको भी एक डेढ़ मिनट और सेकेंगे क्योंकि हम बाद में पानी डालेंगे वो उससे गल जाएंगे। याद रखें कम घी तेल में चीज़ बनाने के लिए आपको पास में ही खड़े होकर बनाना होता है। ये जैसे अब मैंने बस एक डेढ़ मिनट के लिए आलू भी सॉटे कर लिए, अब मैं बाकी सब कुछ डाल दूँगी। बस मैं यहाँ से हट जाऊँगी और पानी अपना काम करेगा। ये मैंने हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल दिया, ये मैंने गाजर डाल दी। गाजर आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्याज नहीं यूज़ करने, मटर के सीज़न में मटर यूज़ कीजिए। जो भी व्रत में आप खाना चाहें या जनरल ब्रेकफास्ट में, तो मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ यूज़ नहीं करती एक ही टाइम में, वो मुझे वो खिचड़ी। उसके बाद हम डाल देंगे ये एक चम्मच जीरा, ये राई, ये सब एक्चुअली कॉमन मसाले जो आप अपने टेस्ट के, ये आधा चम्मच लाल मिर्ची और ये नमक, ये आधा चम्मच नमक। इसमें क्योंकि ये पोए हैं इसमें शक्कर भी डलती है, इसमें पूरी 1.5 चम्मच शक्कर डालेंगे हम कंटिन्यूस, क्योंकि हम बहुत ये 1 और ये 1.5 योगे शक्कर। याद रखें कम घी तेल की चीज़ें पास में खड़े होकर ही बनाई जाती है। अब मैं पानी डाल दूँगी उसके अगर 5 मिनट में ये बन जाएगा। ये मैंने डाल दिया मोरधन, ये लगभग 4-5 लोग खा सकते हैं अगर नॉर्मल ईटिंग हो, पेटू ना हो तो। एक्चुअली सबकी डाइट अलग होती है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये 4 लोग खा लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे जितने में ये डूब जाए, 1 और ये 2, बस इतना सा हमें पानी डालना है कि ये डूब जाए और सब चीज़ें गल जाए। उसके बाद एक चीज़ हम और डालेंगे, हल्दी भी आप पहले ही डाल सकते हैं, ये जरा सी हल्दी ताकि वो पोहे जैसे दिखे। अब आप इसको खा के देखिएगा, ये विद इन 5 मिनट्स मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट्स के लिए। ये मैंने कवर कर दिया और अब बस इसको 1 मिनट के लिए फ्लेम तेज करेंगे ताकि पानी को बॉईल आ जाए, फिर धीरे कर देंगे। टोटल 10 मिनट्स में बनता है ये ब्रेकफास्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू ईट हेल्दी यू हैव टू बिट एक्टिव इन द मॉर्निंग। अभी 1 मिनट हुआ है बस, ये बॉईल होने लग गया है मस्त। इसको बस हम एक बार, अब ये बॉईल होने लग गया है इसको हिला देंगे, इसमें लेमन स्क्वीज कर देंगे। लेमन स्क्वीज कर दीजिए एक, जिनको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा कर लीजिए। बस अब हम इसको 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे और ये पोए जैसे खिलने लग जाएगा। ये मैंने सिर्फ 5 मिनट रखे हैं और ये देखिए ये पोहे रेडी हैं। इसको थोड़ी देर कवर रहने दीजिए, ये बिल्कुल खिले खिले लगते हैं। और अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ, दे एग्जैक्टली दे आर इक्वली गुड लाइक पोहे। ये देखिए मोरधन के पोहे रेडी है, मैंने इनको जैसे प्याज और सेव के साथ सर्व किया। आप चाहे तो अनार के दाने भी डालिए, चाट मसाला भी डालिए, पर इसको खा के ज़रूर देखिएगा। ये पोहे का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, इवन डाइटिशियन सजेस्ट नाउ दिस, क्योंकि ये बहुत लाइट होता है और जिनको डाइट कंट्रोल करना हो या वेट घटाना हो तो ये पेट भर के खाएं और इससे वेट घटाएं, भूखे क्यों रहें।